अब जैसे ब्रेक से पहले मैंने बोला था कि हम आपके सामने मिसाल देंगे कुछ ऐसी शख्सियत की जो हमारे मीडिया की बहुत बड़ी पहचान है एज अ एक्ट्रेस, एज ऑफ कोर्स लाइमलाइट में होती हैं तो आप पहचान जाते हैं, मगर आज हमने उनका बहुत डिफरेंट पहलू आपके सामने लेकर आना है क्योंकि हमने मिसाल भी देनी है और हम डिफरेंट डिफरेंट शोबे से जो है वो पर्सनालिटी पिक करेंगे, चूज़ करेंगे और हम आपके सामने लेकर आएंगे। और ख़ास तौर पे अगर आप भी किसी से ऐसी मिलना चाहते हैं जो ख़ास आपको लगता है कि उनकी इनर को आप जानें तो आप प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर, क्योंकि हम आपके सामने उनको भी इंशाल्लाह फिर बुलाएंगे। मैसेजेस कीजिए, हमें कॉल कीजिए और आज भी हमें आपकी कॉल का इंतज़ार रहेगा। जो मैंने सवाल किया उसका भी जवाब दीजिए साथ साथ, और हमारे प्रोग्राम के भी बारे में बताइएगा, कुछ चेंजेस अगर करनी है प्रोग्राम में तो उसके बारे में बताइएगा। हमें ज्वाइन किया है ब्रेक के बाद खतीजा रईस जी ने। अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ साथ हमें ज्वाइन किया है हमारी मीडिया पर्सनालिटी, हमारी बहुत बहुत प्यारी सी एक्ट्रेस और बहुत अच्छी सी इंसान नसरीन कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक है जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत ज्यादा ठीक ठाक हूं। यहां आके तो बहुत ठीक ठाक लग रहा है। और सुबह सुबह आपको उठा दिया मैंने। हां जी बिल्कुल ठीक है। मैंने एक दफा तो सुबह उठती हूं लेकिन उसके बाद फिर सो जाती हूं। फिर सो जाती है तो नाश्ता वैसे सुबह सुबह तरीके से या फिर नाश्ते करने की कोई आदत नहीं है? चाय पीना नहीं, बिल्कुल आदत नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र करके जब नाश्ता मेरे आगे आ जाता है तो मैं उसका शुक्र अदा करती हूँ की अल्लाह पाक तूने मेरे लिए इतनी नेमतें दे रखी। सही बात है। तो नाश्ता फिर करती है अगर सामने आ जी? बिल्कुल सामने। क्या बात है, खुद बनाती है नाश्ता या फिर? मैं आई एम वेरी सॉरी टू से कि मैं कोई बिल्कुल काम नहीं करती, मैं लिखती हूँ या बस उसकी मेहरबानी है। मैं बहुत आजिज़ और बहुत ही छोटा इंसान हूँ, लेकिन उसने मेरे बाजू दिए हैं बहुत से जो मेरे लिए काम करते हैं। ये भी अल्लाह का एक जरिया होता है कि अल्लाह ताला आपको दुनिया में शहजादियों वाली लाइफ दे देता है। बिल्कुल, कि मेरी इतनी प्यारी सी बंदी है तो उसको मैं कुछ ना करने दूँ। हाँ, और मैं उसको मलकाओं की तरह इस दुनिया में जो है उनके लिए मैं बहुत कुछ करती हूँ। क्या बात है। आप दिल से, प्यार से, दुआ से उनका कैरियर के लिए कुछ सोचती हूँ और उसको उनको कैरियर के तक ले जाती हूँ। क्या बात। फिर उसके बाद दूसरा कोई आ जाता है, दो तीन आ जाते हैं। बहुत प्यार। अच्छा जी खतीजा जी, आज हम बात कर रहे हैं, वैसे तो जो हमने अपना टॉपिक शुरू किया था रूहों से कि बाबा आदम जी और किस तरह से रूहें डाली गईं और फिर उसके बाद दुनिया में किस तरह से रूहों का अमल दखल हुआ और हमारी रूह जो थी वो पहले से ही बन चुकी थी, जिस तरह आप उस दिन बता रही थी कि चाहे मैं हूँ, नसरीन जी हैं और हुमैरा जी जैसे आई थी, सबकी रूहें बन चुकी थी। तो आगे फिर ज़रा अब हम और एलैबोरेट करते हैं बात को। अब बात यहाँ तक थोड़ा सा समेट लें, जिन्होंने पिछली दफ़ा नहीं देखा उनके लिए इसको थोड़ा सा वो करते हैं कि बाबा आदम बदन और रूह मिल के बने, और फिर जब रूह डाल दी गई तो उसमें सजदा करवाया गया और इंसान को अशरफुल मखलूकात अल्लाह ने कहा। ये रूह की निस्बत से हमें शर्फ मिला है क्योंकि रूह में द कैपेसिटी टू नो अल्लाह, टू हैव अ रिलेशनशिप, अल्लाह को जान सकती है, अल्लाह से एक ताल्लुक़ कायम कर सकती है, अल्लाह से कम्युनिकेट करती है। इसलिए ये वाहिद क्रिएशन है अल्लाह की जिसमें रूह है, बाकी हर चीज़ में ज़िंदगी है, रूह नहीं। अच्छा। ज़िंदगी इंसान में भी है और परिंदों में, प्लांट्स में, एवरीथिंग, सब में अपनी अपनी तरह की एक ज़िंदगी है और जो फ़ानी है। जिस चीज़ में ज़िंदगी है सब फ़ानी है, मगर हमारे अंदर जो रूह फूकी गई वो लाफ़ानी है। लाफ़ानी। हाँ, क्योंकि वो अमरे रब्बी से है और जैसे अल्लाह हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे, जो रूह अल्लाह ने फूकी है ये भी अब एक दफ़ा बना दी गई, फूंक दी गई, अब ये हमेशा कायम रहेगी। तो इसलिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट बीइंग इज़ द रूह। बात ये हो रही थी कि परेशान इस वक्त हर एक परेशान है और सुकून की तलाश है, हर कोई, हर एक को, मुझ समेत, आप समेत, सब, एवरीबडी। तो समथिंग इज़ अमिस, कोई ऐसी कमी हम लोगों की ज़िंदगी में है जिसके सबब से ये परेशानी लाहक है। अच्छा। रसूल सल्लम की हदीस है और उसका मफहूम है, हदीस तो मैं कोट नहीं कर सकती, मेरी याददाश्त की अच्छी है नहीं, मगर मफहूम ये है कि रसूल सल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे बदन में गोश्त का लोथड़ा है, वो बिगड़ जाए तो तमाम निज़ाम बिगड़ जाता है, वो संवर जाए तो तमाम निज़ाम संवर जाता है, सुन लो कि वो दिल है। तो इसलिए बहुत गौर करने की ज़रूरत है और बहुत अल्लाह ताला से बातचीत करने की ज़रूरत है कि हमारे दिलों को क्या हो गया।
ये क्यों उलझे रहते हैं, हम क्यों इतने परेशान रहते हैं? परेशान रहते हैं। एक कॉल भी है अस्मा के साथ ले लूं। ओके, अस्सलाम वालेकुम अस्मा, कराची से। वालेकुम सलाम जी, कराची से कॉल है अस्मा की। ठीक ठाक, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आज फ्राइडे है, इंशाल्लाह आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा। बहुत अच्छा है, जुम्मे के हवाले से आप प्रोग्राम करती है, बहुत अच्छा करती है। कोई स्पेशल दुआ किसी के लिए अगर करवानी है तो आप हमें लिखवा सकती हैं? बस हमारी अल्लाह ओवरऑल हम सब के अल्लाह परेशानियां दूर कर दे, बस ये दुआ करवाइएगा। और मैं आपसे सवाल का आंसर भी देना चाहूंगी कि शिर्क है जो गुनाह कबीरा है, शिर्क करना अल्लाह के साथ, शिर्क करना गुनाह कबीरा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर कॉल। अच्छा, मैं एक बार अपना सवाल दोबारा रिपीट करूँगी, शिर्क गुनाह कबीरा है, मगर मेरा सवाल दोबारा इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि शायद अगर किसी को समझ ना आए, तो गुनाह कबीरा एक नहीं है, काफ़ी गुनाह कबीरा होते हैं। और गुनाह कबीरा में मेरा जो सवाल ये था कि कौन सा ऐसा गुनाह कबीरा है जिसकी तौबा नहीं हो सकती, कौन सा ऐसा गुनाह कबीरा है जिसकी तौबा नहीं हो सकती, ये मेरा सवाल है। आपने इसका हमें जवाब देना है और आप हमें जब बताएंगी तो हम आपको गिफ्ट देंगे, हमारे पास जो गिफ्ट है वो है एक मोबाइल सेट, तो वो आपको मिलेगा। हमें इसका जवाब ज़रूर दीजिए, हमें कॉल्स कीजिए, आज हम इंतज़ार करेंगे। कंटिन्यू करते हैं आपकी बात से। अब ये जो दिल है हमारा, रसूल सल्लम ने इसके बारे फरमाया कि हर नाफरमानी, अल्लाह ताला की हर नाफरमानी उस पर काला धब्बा डाल देती है। बिल्कुल, और कुरान में हमें मिलता है कि तुम्हारे दिल गाफिल हो गए। तो ये गफलत जो है ये एक मर्ज़ है दिल का, रूह के कल्ब का, रूह का जो असल मरकज़ है, क्योंकि जैसे बदन में वो है वेरियस इम्पोर्टेंट पार्ट्स, उसके आज़ाए रईसा, इसी तरह रूह में भी हैं, और रूह का सबसे इम्पोर्टेंट जो मरकज़ है, जो महवर है, वो दिल है। और हम अकल हमारी जो है फिज़िकल माइंड, ये फिज़िकल वर्ल्ड के लिए, मादी दुनिया के लिए अल्लाह ताला ने अता किया है, और ये पैदाइश से मौत तक के लिए हमारे, आप रिसर्च कर लें, आप इसको, इस ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर कर लें, मादी दिमाग का इतना काम है। मादी दिमाग जो करता है वो ये है कि हम गौर व फिक्र करें, अपनी सराउंडिंग्स में हम देखें, तो हम इस बात पे पहुंचते हैं कि कोई तो क्रिएटर है, किसी ने तो बनाया है। ये खुद ब खुद नहीं एक चीज़ हो गई और चल रही है, बहुत ही इंट्रिकेट है, बहुत ही बारीकी के साथ और बड़े बैलेंस के साथ अल्लाह ताला ने कायनात बनाई है। ठीक है, तो इसका कोई बनाने वाला होगा। सही बात, अकल हमें यहाँ तक लाती है और फिर रूह का काम शुरू हो जाता है। अच्छा, क्योंकि ताल्लुक अकल की काम नहीं है, ताल्लुक दिल का फेल है। क्या बात है। और आपसे एक थोड़ा सा हट के सवाल करूंगी कि जब फर्स्ट टाइम आपको पता चला कि आप माँ बनने वाली हैं, आपकी गोद भर रही है, तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी? क्यों, मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं बहुत एक रिबेलियस रूह हूँ, मतलब कुछ रूहें ऐसी होती हैं कि जो मतलब कि बंदोस के हजूम को, मतलब कि वो करके तो वो पहुंचना चाहती हैं डायरेक्ट, हालांकि उनको नहीं चाहिए। अच्छा, आई एम वन ऑफ देम। अच्छा, आप यकीन कीजिए, जिस वक्त मैं माँ बनने वाली थी, और अब भी मैं जब किसी बच्ची को देखती हूँ कि वो इस तख्लीक की खूबसूरत तरीन अल्लाह ताला की कम्प्लीशन ऑफ अ वुमन इज गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड। क्या बात है। ठीक है, तो मेरा ये है कि मैं ये समझती हूँ कि जब बच्चा होता है वो आपका नहीं होता, आप उस सबब होते हैं उसके आने का, इसलिए आप उसके अंदर अपने अफकार मत ठोंसे, उसको बुरा अच्छा समझाएं, एंड जब उनके विंग्स आ जाएं तो उनको लेट देम फ्लाई एंड डोंट कॉल देम बैक। वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे बुढ़ापे में, वो आएंगे, लेकिन उनके रास्ते मत रोकें। अच्छा, नेवर। और दूसरा, बहुत अच्छी बात की वैसे नाज़रीन नसीम जी ने। दूसरी बात इन्होंने रूही रूहों का कहा कि हम, मैं ये समझती हूँ, मेरे चूँकि रूहानी टीचर हैं एक, जिनको खलील जबरान कहते हैं, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिम। ओके, आई वाज इन नाइन्थ क्लास आई स्टार्टेड, लेकिन मुझे अब समझ आ रही है उसकी, कि उन्होंने रूहों के बारे में क्या लिखा कि जब इसकी तख्लीक अल्लाह ताला ने पहली दफ़ा जब तफक्कुर किया तो फरिश्ते बने, और जब उसने कलमा कहा तो इंसान को। अब आप वापस जाके हम उसी के साथ मिल जाएंगे,
हम उस नूर के साथ जाके मिल जाएंगे। सही बात। ठीक है, तो हम कितनी खूबसूरत तख्लीक है हमारे अंदर, जिसे हम अंदर से गंदी सोचों में हम तमाम में आके, ठीक है खुदगर्जी ज़रूर थोड़ी सी होनी चाहिए, नहीं तो ये दुनिया का हुस्न, ये बाजार, ये बसरा के मोती, ये सब कुछ आपको कभी मिल नहीं सकता था। थोड़ी सी होनी चाहिए, नॉट लस्ट नहीं होनी अच्छा। चाहिए मगर थोड़ी खुदगर्जी होनी चाहिए। हाँ, खुदगर्जी इस दुनिया को खूबसूरत बनाना, अपने घर को खूबसूरत बनाना और रिज़्क़-ए-हलाल से कमा के लाना, इसमें खुदगर्जी होनी चाहिए। उसको सजावट और आरास्ता करना और तफक्कर करना, अल्लाह की दुनिया को देखना और हुस्न और जमाल, ये उसके नाम है ना, वो खुद जमाल है। तो जिसने आपको बनाया, सोचें जब मैं आपको देखती तो मैं ये सोचती वो कितना खूबसूरत होगा जिसने फिजा को बनाया। मैं सही कह रही हूँ, बहुत अच्छी मिसाल आप देती हैं, मगर बिल्कुल मैं ये सोचती कि वो खुद कितना हसीन होगा। एंड आई वांट टू बी विद, मेरी रूह जो है उसके साथ कनेक्शन, और मुझे फील होता है बाज़ औक़ात जब आप इंतहाई ट्राई करते हैं, यू आर ऑनेस्ट विद योर गॉड, यू कैन टच एंड यू कैन फील दैट, इफ अगर आपके अंदर इतना है तो यू कैन फील योर गॉड कि देयर इज समबडी, देयर इज सम पावर। आपको आपको फील हो रहा होता है एनर्जी, आपको सबसे पहले तो अपने अंदर फील हो रहा होता है कि आपके साथ है हर वक्त, आपके लिए है, और मतलब आपको महसूस कराता है। और कितना हमें कि हर बलाएं जो है वो आसमान से नहीं उतरती, आसमान से तो रहमत और इंसाफ उतरता है, वो 72 माओं जितना प्यार उतरता है, ये तो हम खुद बुलाते हैं मुसीबतों को। वी आर द पीपल हु सिलेक्ट, अपने लिए हम खुद गढ़ों में सिलेक्शन करते हैं और उसके अंदर कूद जाते हैं, जबकि उसने हमें ये किताब कोई खेल तमाशा तो नहीं ना, ये तो दुनिया की सबसे कुर्रार उस पर बड़ी किताब है। सही बात। एंड आवर रिलीजन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड पीसफुल, बहुत आला, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें लिखा हुआ है कि दोनों रास्ते बता दिए उसने, दिस एंड दिस, आप करोगे जजा सजा, तो ये तो लंबी बहस हो जाएगी ना। आई बिलीव इन इट कि माई गॉड इज, मैं उसके साथ जब बातें करती हूँ तो आई फॉरगेट ईच एंड एवरीथिंग, इवन माय चिल्ड्रन, आई डोंट केयर, आई एम विद हिम। इवन आप बात कर रही हैं तो आपकी पूरी एक्सप्रेशन मुझे आपका ऐसे साथ दे रहे हैं, मुझे फील हो रहा है कि मैं मेरी जो रूह है वो उसके साथ उसका कोई रिश्ता है। और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आज हम लोगों को अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी, इतनी हिदायत दी कि हम आज अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। और वैसे ही अल्लाह का हम सिर्फ तो जिक्र कर रहे हैं ना फिजा, हमें अमल करना चाहिए। आप आज देख लें कि हमारे क्या हालात हैं। सही बात। हाँ, हम वालदैन के आप हकूक के ऊपर रखें तो आप 10 दिन तक सिर्फ उसी उन्हीं के ऊपर टॉपिक ही वो खत्म ना हो, मतलब ना खत्म। सीरियसली नसरीन जी की बात को भी आगे कंटिन्यू करेंगे, खतीजा जी की भी बात का अभी हम आपको और एग्जैक्टली इलैबोरेट करके समझाएंगे। तो एक छोटा सा वक्फा हम लेते हैं और उसके बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।